good morning students today we discuss about the synthesis of aldehyde and ketones by Grignard reagents in last video we discussed about the synthesis of aldehyde and ketones in many methods like oxidation of alcohols catalytic dehydration of alcohols by dry distillation of calcium salt of alkanoic alkanol acids and

विद द हेल्प ऑफ Grignard reagent, बोथ aldehyde and ketones एंड कीटोन्स कैन बी प्रिपेयर बाई दिस मेथड्स क्या है कि एल डी आइड एंड कीटोन्स का बहुत कफ प्रिपरेशन यहाँ पर पॉसिबल है ठीक है तो फर्स्ट मैथड अपन बात करते हैं इसको टू पार्ट्स में अपन डिवाइड करते हैं aldehyde and ketones एंड कीटोन्स का, का तो अपन अलग अलग पार्ट में डिस्कस करेंगे ठीक है तो यहाँ पर बात आती है फर्स्ट आता है सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड सिंथेसिस ऑफ एलडियाइड्स बाय आर एम जी एक्स कैर्नियर रिएजेंट सो फर्स्ट मेथड इज बाय रिएक्शन ऑफ एथिल एथिल फॉर्मेट बाय रिएक्शन ऑफ एथिल फॉर्मेट तो एथिल फॉर्मेट से आप एलियाट्स का प्रिपरेशन आप यहां पर कैसे फॉर्म यहां पर करेंगे इसका प्रिपरेशन आप कैसे करेंगे तो यहां पर क्या है कि वन मोल मॉलिक्यूल ऑफ एथिल फॉर्मेट वन मॉलिक्यूल ऑफ एथिल फॉर्मेट फॉर्मेट एंड वन मोल ऑफ ग्रिनिया रिएजेंट रिएक्ट विद इच अदर देन फॉर्म एल्डिहाइड्स ठीक है वेन वन मोल को ऑफ एथिल एथिल फॉर्मेट रिएक्ट विद वन मोल ऑफ आर एम जी एक्स यानी कि एल्किल हेलाइड टू गिव ए एडक्ट कंपाउंड टू फॉर्म ए एडक्ट कंपाउंड एंड द हाइड्रोलाइसिस ऑफ द दम्पाउंड ठीक है कि पहले क्या है कि आप क्या करेंगे कि जब आप एथिल फॉर्मेट की रिएक्शन आप आर एम जी एक्स से इसके साथ आप इसको रिएक्ट कराएंगे तो आपको एक एडक्ट कंपाउंड फॉर्म होगा उस एडक्ट का आपको क्या करना है हाइड्रोलाइसिस यानी कि हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो आपको यहाँ पर क्या है कि एल्डिहाइड क्या हो जाएगा ओपटेंड हो जाएगा ठीक है एंड रिएक्शन इज एथेल फॉर्मेट एच सी डबल बोन ओ ओ सी टू एच फाइव यह क्या है एथिल फॉर्मेट प्लस रिएजेंट आर एम जी एक्स ठीक है तो आर एम जी एक्स तो यहां पर क्या आप एडक्ट कंपाउंड यहां पर फॉर्म होगा इसमें तो रिएक्शन क्या होगी यहां पर कि इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहां आएंगे ठीक है तो यहां पर क्या होगा ऑक्सीजन ठीक है अब यहां पर क्या है कि आर एम जी एक्स में क्या है कि इस पर एल्किल जो चेन है इस पर तो क्या है पार्शियली नेगेटिव पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव चार्ज और मैग्नीशियम के पर क्या है पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा यहां पर कि जब ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो ये कार्बकेटाइन फॉर्म होगा तो सो एल्किल ग्रुप हेयर एंड एम जी एक्स इज हेयर ठीक है तो यहां पर ये रिएक्शन होगी क्या होगी यहां पर एच सी ओ सी टू एच फाइव ओ एम जी एक्स और यहां पर क्या आ जाएगा एल्किल ग्रुप ये क्या फॉर्म हो गया इसे एडकट एडक्ट यहां पर फॉर्म होता है इस एडक्ट का आपको क्या करना है हाइड्रोलाइसिस ठीक है हाइडोलाइसिस करेंगे तो आपको क्या फॉर्म होगा यहां पर एल डी आइड आर सी एच डबल बॉन्ड ओ प्लस एम जी एक्स और ओ सी टू एच फाइव ठीक है ये यहां पर फॉर्म हो जाएगा तो ये आपको क्या फॉर्म होगा यहां पर एल डी आइड ठीक है नेक्स्ट जो मेथड आता है बाय द रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड बाय द रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड कि वेन गिवर रिएजेंट रिएक्ट विद हाइड्रोजन साइनाइड्स ठीक है गिव ए एडेक्ट प्रोडक्ट एडक्ट प्रोडक्ट यहां पर फॉर्म होगा देन हाइड्रोलाइसिस गिव एल्स ठीक है के गिरने रिएजेंट देखो हाइड्रोजन साइनाइड ठीक है प्लस आर एम जी एक्स तो एडेक्ट फॉर्म होगा एडेक्ट कैसे फॉर्म होगा इस तरह से यहां पर एडेक्ट फॉर्म होगा ठीक है कि इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो ये इधर जाएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा आर सी सॉरी एच सी आर एल्किल ग्रुप तो कार्बन पर अटैच होगा और यहां पर डबल बॉन्ड एन एम जी एक्स ये एडेक्ट फॉर्म हो गया अब आप इसका क्या करेंगे हाइड्रोलाइसिस हाइड्रोलाइसिस यहां पर करेंगे तो आपको क्या फॉर्म होगा यहां पर आर सी एच ओ एल डी आईड प्लस अमोनिया प्लस एम जी ओ एच एंड एक्स ठीक है एक्स हेलाइड आयन है आ, आप यहाँ पर अगर आर की जगह मैथिल और यहाँ पर क्लोराइड है तो मैथिल क्या हो जाएगा मैथिल मैग्नीशियम क्लोराइड ठीक है तो गिरनियर रेजेंट ये इसका जनरल फॉर्मूला है आर एम जी एक्स ठीक है तो ये इसके क्या है टू मेथड्स थे इन टू मेथड से आप क्या है कि ओनली एल्डिहाइड का प्रिपरेशन क्या है कि विद द हेल्प ऑफ गिरनियर रिएजेंट से आप इसका फॉर्मेशन कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट आता है सिंथेसिस ऑफ कीटोन्स सेकेंड पार्ट इसका अपन ग्रेनयर रिएजेंट से ही ठीक है सिंथेसिस ऑफ कीटोन्स बाय आर एम जी एक्स ग्रेनियर रिएजेंट तो इसमें आप क्या करेंगे इसमें फर्स्ट पार्ट आता है इसका बाय रिएक्शन विद एथिल एस्टर बाई रिएक्शन विद एथिल तो एस्टर क्या होता है <coughs> तो एथिल एस्टर यहां पर आपको फॉर्म करना लेना है और एथिल एस्टर की क्या है कि आप गिरने रिएजेंट के साथ जब आप इसको ट्रीटेड कराएंगे या आप इसके साथ रिएक्ट कराएंगे तो उस कंडीशन में आपको एटेक्ट कंपाउंड होगा देखो आपको एक बात ध्यान रखनी है यहां पर कि जहां पर भी रिएजेंट यूज होता है तो वहां पर क्या है कि एक इंटरमीडिएट के रूप में क्या फॉर्म होता है यहां पर एक एडक्ट कंपाउंड फॉर्म होता है और उस एडक्ट कंपाउंड का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो आपको जो यहां पर जिसका फॉर्मेशन आप यहां पर कर रहे हैं उसका फॉर्मेशन यहां पर होगा ठीक है तो यहां पर आप किटोन्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो आप क्या लेंगे यहां पर एथिल एस्टर एथिल एस्टर आर सी डबल वो ओ, ओ, ओ सी टू एच फाइव ठीक है अब एस्टर इसलिए क्योंकि यहां पर भी क्या है एल्किल ग्रुप रहेगा ठीक है <coughs> <coughs> प्लस आर एम जी तो यहां पर जब ये क्या होंगे ट्रीटेड करेंगे इनको यानी कि एथिल फॉर्मेट को गिरने रीजेंट के साथ ट्रीट किया जाएगा तो उस कंडीशन में आपको एडेक्ट कंपाउंड यहां पर फॉर्म होगा एडेक्ट कंपाउंड क्या फॉर्म होगा यहां पर यहां पर दो एल्किल ग्रुप है तो इसको अपन डिफरेंस करने के लिए आरडेस ठीक है तो क्या फॉर्म होगा आर डे सीओ सी टू एच फाइव एंड ओ एम जी एक्स और यहां पर क्या जाएगा एल्किल ग्रुप अब देखो यहां पर वही सिस्टम में जो आपको ऑलरेडी बताया था एल डी के फॉर्मेशन में ठीक है कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये आएंगे तो ये इस तरह से यहां पर क्या फॉर्म होगा आपको एडेक्ट कंपाउंड यहां पर फॉर्म होगा अब जो एडेट कंपाउंड फॉर्म हो रहा है इसका आप क्या करेंगे हाइड्रोलाइसिस क्या करेंगे हाइड्रोलाइसिस आप यहां पर करेंगे तो आपको क्या फॉर्म हो जाएगा यहां पर आर डैश सी डबल बोन्ड ओ आर क्या फॉर्म होगा यहां पर किटोन्स प्लस एम जी एक्स सी टू एच वाई ठीक है तो यहां पर ये आपको क्या फॉर्म हो गया कीटोन नेक्स्ट मेथड आता है से कीटोन के प्रिपरेशन का ठीक है तो इसमें सेकंड मेथड आता है बाय एल्किल साइनाइड्स एल्किल एल्किल साइनाइड साइनाइड से आप इसका प्रिपरेशन कैसे करेंगे रिएजेंट से तो क्या होगा ट्रीटिंग ए नाइट्राइल विद ग्रियजेंट फॉलोड बाई हाइड्रोलाइसिस एल्ड एटोन ठीक है कि आप क्या करेंगे कि एल्किल साइनाइड की रिएक्शन आप किसके साथ कराएंगे रिएजेंट के साथ कराएंगे तो उस कंडीशन में आपको एडक्ट फॉर्म होगा उसका आप हाइड्रोलाइसिस करेंगे हाइड्रोलाइसिस होने पर क्या होगा कि यहां पर आपको कीटोन फॉर्म हो जाएगा ठीक है तो एल्किल साइनाइड आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन ठीक है ये एल्किल साइनाइड ठीक है प्लस किसे आप रिएक्ट कराएंगे ग्रिनियर रिएजेंट आर एम जी एक्स देन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर तो एल्किल ग्रुप इस कार्बन पर और एमजीएक्स नाइट्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा तो आपको एडक्ट फॉर्म होगा आर आर थ्री आर डबल बॉन्ड एन एम जी एक्स ये क्या फॉर्म हुआ आपको एडक्ट यहां पर फॉर्म हो गया अब आप इसका क्या कराएंगे हाइड्रोलाइसिस तो हाइड्रोलाइसिस में टू वॉटर मॉलिक्यूल यहां पर यूज होंगे ठीक है और आपको क्या फॉर्म होगा आर सी डबल बॉन्ड ओ आर ठीक है ये तो आपको कीटोन प्लस अमोनिया NH3 प्लस एम जी एक्स एंड ओ एच ठीक है तो ये यहां पर इस तरह से ये रिएक्शन हो जाएगी नेक्स्ट आता है बाई एसिल क्लोराइड्स नेक्स्ट मेथड कीटोन के प्रिपरेशन का बाई एसिल क्लोराइड्स एसिल क्लोराइड्स क्या होते हैं आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल ठीक है ये क्या है एसिल क्लोराइड्स तो ट्रीटमेंट ऑफ एसिल क्लोराइड्स विद डाई एल्किल कैडमियम प्रिपेर बाय द रिएक्शन ऑफ कैडमियम क्लोराइड्स विद गिर रिएजेंट गिव कीटो तो फर्स्टली क्या है कि आपको यहां पर क्या फॉर्म करना है एसिल क्लोराइड्स फॉर्म करते हैं तो एसिल क्लोराइड्स आप जो फॉर्म करेंगे तो ये क्या है डाई एल्किल कैडमियम से यहां पर फॉर्म होंगे ठीक है तो एल्किल कैडमियम, सॉरी यहां पर आप डायरेक्टली रिएक्शन बता दें कि व्हेन एल्किल एसिल क्लोराइड रिएक्ट विद एसिल क्लोराइड रिएक्ट विदगनिया रिएजेंट सॉरी फॉर्म ए एडक्ट प्रोडक्ट या एडक्ट कंपाउंड एंड देन इट डिसोशिएट इन कीटोन्स एंड मैग्नीशियम हैलाइट्स एसिल क्लोराइड से आप यहां पर रिएक्ट कराएंगे तो देखिए यहाँ पर रिएक्शन कैसे होगी ये हो जाएगा यार तो यहां पर क्या फॉर्म होगा आर सी सी एल आर आरडस ठीक है और यहां पर क्या हो जाएगा ओ एम जी एक्स तो यहाँ पर क्या है कि इसमें बॉन्ड वेज किस टाइप से होगा कि अब यहाँ पर क्या है ऑक्जन पर क्या है नेगेटिव चार्ज है ठीक है तो नेगेटिव चार्ज है तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन के इसके पास क्लो, क्लोरीन के पास जाएंगे तो ये आयन फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर ये यह क्या है पॉजिटिव हो जाएगा इस कंडीशन में तो यहाँ से ये यह इधर अटैच हो जाएगा आर डैस सी डबल बॉन्ड ओ आर प्लस एम जी एक्स सी एल ठीक है यहां आपको हाइड्रोलाइसिस कराने की रिक्वायरमेंट नहीं है यहां पर इसमें आपको ध्यान रखना है ठीक है तो आपको क्या फॉर्म हो जाएगा यहां पर किटोन्स फिर नेक्स्ट मेथड आता है किटो के प्रिपरेशन का फ्रॉम एल्किनामाइड फ्रॉम एल्किनामाइड्स एलकेनामाईड। तो एल्किनामाइड्स क्या होता है आर सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू ये क्या है एलकेनमाईड है एलकेनमाईड से, ठीक है ठीक एलकेच टू ग्रुप से है ठीक है तो एल्केमाइड के साथ आप जब इसको रिएक्ट कराएंगे तो एडेक्ट कंपाउंड यहां पर एडेक्ट प्रोडक्ट फॉर्म होगा और उसका आप क्या कराएंगे हाइड्रोलाइसिस देन फॉर्म किटोन आर सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू एल्केमाइड प्लस गर्नियर रिएजेंट आर एम जी एक्स इस बोन के इलेक्ट्रॉन तो यहां पर क्या फॉर्म होगा आपको एडक्ट फॉर्म हो जाएगा आर डैश सी आर एन एच टू और यहां पर क्या आ जाएगा ओ एम जी एक्स अब आप इसका क्या करेंगे हाइड्रोलाइसिस हाइड्रोलाइसिस इसिस कराएंगे तो यहां पर आपको एक तो कीटोन फॉर्म हो जाएगा आर डे सी डबल वन ओ सॉरी आर प्लस एम जी एक्स ओ एच प्लस एनएच सॉरी एन एच टू ठीक है ये इसके प्रिपरेशन के क्या है कि मेथड से बाय द रिएजेंट्स नेक्स्ट प्रिपेशन मेथड आता है एनईएफ रिएक्शन विद नाइट्रो एलिकिंस एनईएफ रिएक्शन विद नाइट्रो एलिकिन्स ठीक है तो इस मेथड में क्या क्या होता है बाई रिएक्शन ऑफ ए बेस विद ए नाइट्रो एल्कीन नाइट्रो एल्कीन ए साल्ट इज ओपटेन्ड दिस साल्ट इज हाइड्रोलाइज बाई स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक सल्फुरिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड एंड गिव कार्बोनिल कंपाउंड कार्बोनिल कंपाउंड मीन यहां पर क्या है एल्डियाइड एंड कीटोन्स ठीक है प्राइमरी नाइट्रो एल्कीन गिव एल्डियाइड्स एंड सेकेंडरी नाइट्रो एल्किव कीटोन्स ठीक है तो नाइट्रो एल्किन्स आप यहां पर यूज करेंगे तो प्राइमरी जो नाइट्रो एल्किन है यानी कि आपको क्या है आर सी एन एच टू ये तो क्या है प्राइमरी नाइट्रो एल सॉरी एनओ टू एन एच टू एमआर हो जाएगा एनओ टू ठीक है ये तो क्या है प्राइमरी नाइट्रो एल्किन और सेकेंडरी क्या होगी से, सेकेंडरी नाइट्रो एल्किन क्या होगी कि नाइट्रो ग्रुप क्या होगा मिडल कार्बन पर अटैच हो जाएगा आर सी नोटू और आर ठीक है तो ये क्या हो जाएगा सेकेंडरी सॉरी सेकेंडरी नाइट्रो एल्किन्स तो इस कंडीशन में इससे तो क्या फॉर्म होगा किटोन्स एंड इट गेव एलिया ठीक है तो रिएक्शन क्या होगी यहां पर कि अपने क्या बोला रिएक्शन में कि वैन एल्किन नाइट नाइट्रो एल्कि क्या लिया अपने नाइट्रोमैथिन नाइट्रोमैथिन नाइट्रोमैथेन रिएक्ट विथ ए बेस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड देन फॉर्म सोडियम सॉल्ट ऑफ नाइट्रोमैथिन यहां से क्या होगा एक वॉटर मोलिक्यूल एलिमिनेट होगा और आपको क्या फॉर्म होगा यहां पर इसका सोडियम साल्ट फॉर्म होगा एनओ तो ये क्या फॉर्म होगा यहां पर सोडियम साल्ट ऑफ नाइट्रो एल्कि नाइट्रोमैथिन ठीक है नाइट्रोमेथिन अब इसका आप क्या करेंगे यहां पर कि आपको इसका ऑक्सीडेशन करना है बाय द कंसंट्रेट एसिड्स लाइक यहां पर आपने क्या ले लिया H2SO4, टू फोर एच सी एल या एच एन ओ थ्री आप इनमें से कोई भी एसिड्स यहां पर यूज कर सकते हैं कैटेलाइट के रूप में ठीक है तो यहां पर आपको क्या फॉर्म होगा फॉर्मल डियाड एच सी डबल बॉन्ड ओ एच ठीक है यहां पर क्या हो जाएगा एल डी आइड आपको फॉर्म हो जाएगा यानी कि फॉर्मल डी आइड फॉर्म हो गया तो आपको बोला था कि प्राइमरी एल्कोहल से क्या फॉर्म होगा सॉरी प्राइमरी नाइट्रो एल्केन से क्या फॉर्म होता है एल्डिहाइड्स अब अपना एग्जाम्पल लेते हैं सेकेंडरी आई मीन से, से, सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन से तो इससे आपको क्या फॉर्म होगा कीटोन्स तो रिएक्शन क्या होगी यहां पर सी एस थ्री सी सी एस थ्री सी एच एन ओ टू टू नाइट्रो प्रोपेन नाइट्रो प्रोपेन ठीक है ये क्या है सेकेंडरी नाइट्रो है ठीक है क्योंकि इसमें क्या है कि नाइट्रो ग्रुप क्या है सेकेंड कार्बन पर यानी कि सेकेंडरी कार्बन पर अटैच है ठीक है रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस ठीक है देन फॉर्म सोडियम साल्ट एन ए सी सी एस थ्री सी एस थ्री और एन ओ टू यहां से भी क्या होगा एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा ठीक है अब क्या करना है आपको कि यहां पर क्या फॉर्म हो गया सोडियम साल्ट ऑफ टू नाइट्रो प्रोपेन क्या है ये सोडियम साल्ट ऑफ टू नाइट्रो प्रोपेन ठीक है इसका आपको क्या करना है ऑक्सीडेशन करना है ठीक है ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एस टू एस ओ फोर एच सी एल एच एन ओ थ्री ठीक है नाइट्रिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड में से आप कोई भी यूज करेंगे तो आपको यहां पर क्या फॉर्म होगा सी एस थ्री सी सी एस थ्री डबल बॉन्ड ओ यहां पर क्या हो गया एसीटोन ठीक है ये इसका क्या है कॉमन नेम है एसीटोन ठीक है अगर आप इसका आईओपी नोम नोम्नि करेंगे तो यह क्या हो जाएगा टू प्रोपे नोन टू प्रोपे नोन ठीक है <coughs> नेक्स्ट आता है बाई हाइड्रोलाइसिस ऑफ जेम डाई ठीक है जेम डाइलाइड आपको पता ही है कि क्या होगा यानि कि हेलाइड यानी कि हेलोजन टू हेलोजन एटम अटैच ओनली वन कार्बन यानी कि एक ही कार्बन पर अटैच हो ठीक है तो इस पर अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इस मेथड्स पर ठीक है बस इसका एक मैथड्स हो रहा है फिर नेक्स्ट क्या आएगा अपन इस पर ओनली एल्डिहाइड का प्रिपरेशन ओनली किटोन्स का प्रिपरेशन के कुछ स्पेशल मेथड्स पर भी अपन डिस्कस करेंगे तो ये तो क्या है कि यहाँ पर आपको मिक्स मेथड्स हैं यहाँ पर क्या इसमें क्या है कि इन मेथड्स में एल्डिहाइड और किटोन्स बोथ का क्या हो रहा है प्रिपरेशन हो रहा है बट इसके बाद क्या है कि आपको अलग अलग भी यानी कि ओनली एल्डिहाइड का प्रिपरेशन ओनली कीटोन का प्रिपरेशन के कुछ मेथड्स आएंगे अपने सिलेबस में तो उनका भी अपने यहाँ पर डिस्कस करेंगे ठीक है थैंक यू